हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम आपको बताएंगे जो हमारे इंडिया की जो फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो चली है वो कहाँ पे चली है। वो चली है हमारे वेस्ट बंगाल में, वो हुगली रिवर पे जो है उसके नीचे चली है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं वीडियोस में। ये हमारी मेट्रो है, वो आ रही है, ये अंडर द वाटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अंडर द वाटर है। ये इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल हुआ है, जो कि अभी कंडक्ट कराया गया है जस्ट अभी 12 अप्रैल को कोलकाता में। ये मेट्रो जो ट्रेन है वो हमारी 2 to 6 कोचेज हैं, जो कि ट्रेवल करती हैं कितना 4.8 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस को इजीली कवर कर सकती हैं। और बिटवीन ये जो डिस्टेंस है जो इन्होंने कवर किया है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो स्प्लेंडर से हवरा मैदान तक है। ये कंट्री की पहली अंडर वाटर मेट्रो नेटवर्क है जो कि कनेक्ट हुई है। और ये हवरा स्टेशन से जो भी कॉम्प्लेक्स है या फिर वेस्टर्न बैंक जो है हुगली रिवर का, वहाँ से क्या हुई है, ये स्टार्ट हुई है और ये आगे तक जाके मिल गई है। किस घाट से? आर्मेनिया घाट से, जो कि किस पे है, ईस्टर्न बैंक से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही है ये। और ये कमर्शियल के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे हम ट्रेवल कर सकते हैं। और इसी साल से ये क्या हो जाएगा, शुरू भी हो जाएगा। ये सबसे डीप मेट्रो स्टेशन है, जो कि अभी कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डीप है, यानी कि सबसे ज़्यादा गहराई में है। ये 30 मीटर क्या है, डीप है, यानी कि गहरा, किसकी, ग्राउंड से लगभग कितना है, 30 मीटर बिलो है, यानी कि नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमारी सबसे पहली, जो कि काफ़ी अच्छी भी है और बिल्कुल सही तरीके से इसको क्या किया गया, ट्रायल किया गया है और सब कुछ ठीक है। अब इसी साल से शुरू भी हो जाएगा, तो आप बिजली बिल्कुल जा सकते हैं और इसका सफ़र कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हमारी कोलकाता की जो मेट्रो है वो एडवांस है इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।